Here is Amna Memon with you, and in this lecture we will try to understand about the enzymes. What are enzymes? What is its function and its definition? So without further ado, let's dive into deep. तो अगर हम functions की बात करें तो enzymes के tremendous functions हमारे पास मौजूद होते हैं. अगर enzymes हमारे पास नहीं होते तो हमें सिर्फ एक food को metabolize करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होता, जो है हमारी steady state को maintain रखने के लिए बेहतर नहीं होता. आप समझे ऐसे कि अगर आप दिन में खाना खा रहे हो तो आप वो मेटाबॉलिज्म उसका कुछ साल, कुछ जो है वो आपको दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने ज़रूर लग जाते उसको जो है सिर्फ उस एक खाने को डाइजेस्ट करने में, अगर हमारे पास एंजाइम्स मौजूद ना होते. तो इतना बड़ा रोल हमारे पास एंजाइम्स का होता है. और ये क्या करते हैं हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जो कि जिसमें कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों चीज़ें जो है रिवॉल्व होती हैं उसमें, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में जिसमें कैटाबॉलिज्म भी आता है, कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़. ठीक है, कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिसमें जो है मैक्रो मॉलिक्यूल से माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं. और दूसरी एक एक्टिविटी होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर आती है, वो है एनाबॉलिक एक्टिविटी. राइट, एनाबॉलिक एक्टिविटी में रिवर्स होता है कैटाबॉलिक का. इसमें ये होता है कि माइक्रो मॉलिक्यूल से मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, या यहाँ पर जो है एनाबॉलिक में मेकिंग होती है प्रोडक्ट्स की. यहाँ पर जो है सी फॉर कट, तो आप सी के नाम से याद रखिएगा जब भी आप सुने. तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जब भी कैटाबॉलिज्म में हो तो यहाँ पर सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रही होती हैं, या मैक्रो मॉलिक्यूल से माइक्रो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में बन रहे होते हैं. ठीक है, तो इन सारी की सारी चीज़ों में असिस्ट हेल्प कौन करता है, हमारा एक एंजाइम. हर एंजाइम जो है, हर एक सबस्ट्रेट का अलग अलग एंजाइम होता है. इसके बारे में हम प्रोसीडिंग वीडियो में, आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे. इट इज़ अ कैटालाइटिक मॉलिक्यूल. अब जैसा कि हमें पता है कि कैटालाइटिक मॉलिक्यूल जो है हमारे पास, अगर हम देखें लैब्स में तो ये मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं. तो जहाँ पर भी कोई रिएक्शन हमें करवाना होता है, वो फास्ट करवाना होता है, तो हम एक कैटालाइटिक मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं. इसी तरीके से कुदरत ने भी हमारे अंदर एक मॉलिक्यूल रखा है जो कि क्या करता है, उसका काम ये होता है कि जो भी रिएक्शन हो रहा होता है उसको फास्ट और स्थिर तरीके से जो है वो अंजाम देता है. तो उसका नाम हमारे पास क्या है, बायो कैटलिस्ट. चूँकि हम बायो हैं, हम एक लाइफ से मुंसलिक हैं, तो हमारे अंदर जो कैटलिस्ट पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बायो कैटलिस्ट कहते हैं. ठीक है, तो इनका नाम इस वजह से है कि क्या करते हैं, स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन को वो जो है उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं विथआउट बींग यूज अप, खुद को इस्तेमाल किए बगैर. स्टेडी स्टेट को मेनटेन करना के लिए जो है ये एंजाइम्स का बड़ा किरदार है. हमारे अंदर अगर एक टाइमली डाइजेशन हो रही है, टाइमली मेटाबॉलिज्म हो रही है, टाइमली जो है सब प्रोसेसेस हो रहे हैं, एटीपी जनरेट हो रही है प्रॉपर तरीके से, सो दिस इज़ ऑल थैंक्स टू द वर्ड एंजाइम. एवरी टाइम केमिकल रिएक्शंस आर हैपनिंग इन बॉडी, देयर इज़ ऑलवेज कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर. तो जो भी रिएक्शन हो रहे होते हैं, इरिटेशन हो रहा होता है, तो दूसरे रिएक्शन के साथ उसका कोऑर्डिनेशन ज़रूर होता है. इसके बारे में डिटेल में हम वीडियो में, प्रोसीडिंग वीडियो में, हमारे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे. और इसके अलावा अगर हम एंजाइम्स की बात करें, उसके फंक्शन की, तो ये एंजाइम्स कमर्शियली मतलब एक फैक्ट्रीज़ में भी कमर्शियली यूज़ होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एंटीबायोटिक्स जो कि हम घर घर में मौजूद होती हैं और हम खाते हैं, तो इसमें भी एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है. तो अगर हम डेफिनेशन वर्ड की बात करें तो बेसिकली एंजाइम ये एक ग्रीक वर्ड है जिसमें दो लफ्ज़ पाए जाते हैं, एक तो है एन, दूसरा है जाइम. एन की मीनिंग है इन, जाइम की मीनिंग है यीस्ट. चूंकि ये पहले पहले डिस्कवर हुए थे यीस्ट के अंदर, मतलब एक आप हिस्ट्री में इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे जो कि हमारा दूसरी वीडियो होगी, इसमें हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री क्या है एंजाइम की. तो उसमें हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कि कोने ने कैसे जो है वो यीस्ट के ज़रिए जो है वो एंजाइम को एंजाइम में देखा था, और उसका एंजाइम, उसका नाम जो है वो यीस्ट रखा था, एंजाइम रखा था उसका नाम. तो हमें पता है कि जो एंजाइम का जो टर्म है ये फ्रेडरिच विलहेल्म कोने ने 1878 में डिस्क्राइब किया था. और एंजाइम्स जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं
जिसके पास कैटालाइटिक एक्टिविटी होती है केमिकल रिएक्शन को करने की लिविंग सिस्टम है। तो ये डेफिनेशन एज एंजाइम की आप याद कर सकते हैं। एंजाइम में बी डिफाइंड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस इन द लिविंग सिस्टम। होप यू अंडरस्टैंड स्टिल हियर। और हम पढ़ते हैं अपनी अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।